आज के बाद ना निर्णय के साथ कुछ गलत नहीं होगा, कुछ नहीं। तो बैंकर ने मुझे एहसास दिलाया कि निम्मी की चुप्पी के जिम्मेदार ना हम लोग ही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, हम सब की वजह से है, इस सोसाइटी की वजह से है। अरे हमारे सही और गलत के कॉन्सेप्ट ही गलत है। लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना तो सिखाते ही नहीं, और लड़कियों को सिखाते हैं कि इज्जत के नाम पे चुप बैठो, जो हो रहा है बर्दाश्त करते रहो। शादी हो या ना हो मॉम, फिजिकल होने के लिए ना कंसेंट होना बहुत जरूरी है, और ये बात पता होनी चाहिए मर्दों को। ये शादी कोई लाइसेंस नहीं है अपनी पत्नी के साथ कुछ भी कर देने के लिए। मतलब उस अमृता ने विराट के दिमाग में ये कंसेंट, औरत की सहमति, ये सब बातें डाली हैं। ये लड़की भी ना न जाने क्या चाहती है, मेरे पूरे परिवार को अपना बनाना चाहती है, अपने इशारों पर नचाना चाहती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से निम्मी के पास जाऊं, कैसे फेस करूं उसको। मैं भाई हूं ना उसका, मेरी जिम्मेदारी थी उसको प्रोटेक्ट करना। हर साल राखी पे यही वादा करता था ना उसको कि तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, बट नहीं कर पाया मैं। फील्ड किस मुंह से जाऊं उसके सामने, किस नजरे कैसे मिलाऊं उसे, उसे कैसे बोलूं सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं तेरे साथ। कैसे बांटू उसका दर्द, निम्मी, 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 निम्मी,